अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिस्कस करूंगी प्लेटो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। सो लेट्स बिगिन। प्लेटो वाज बोर्न इन 427 टू 347 बीसी इन एरिस्टोक्रेटिक एथेनियन पेरेंट्स। सो प्लेटो वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट द पॉलिटिकल जो रेवोल्यूशन उसके दौर में चल रही थी, बिकॉज वहां पर तब स्पार्टन्स और एथेंस दो पावर थी, और जो स्पार्टन्स थी वो नेवी की पावर थी बहुत बड़ी, और जो एथेंस थे वो वैसे जो हथियार वगैरह बनाने में बहुत ज्यादा फेमस थे, वेपनरी में। अब इन दोनों की लड़ाइयाँ होती थी उस जमाने में, पेलोपोनेशियन वार्स होती थी, टेरेंट वार्स थी। तो इसमें जो प्लेटो था वाज वेरी कंसर्न अबाउट द स्टेट प्रॉब्लम्स के बारे में। अब जो उस दौर में हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी थी, क्योंकि उस वक्त बहुत स्मॉल सिटी स्टेट्स होती थी, तो जो डेमोक्रेसी थी वो तमाम लोगों को इंक्लूड करती थी। जब वो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग करते थे तो तमाम लोग एक जगह पर जमा हो जाते थे और वहां पर वो लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एग्जीक्यूट करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम देखते हैं कि सोक्रेटिस को एग्जीक्यूट किया गया, सोक्रेटिस वॉज अ टीचर ऑफ प्लेटो, उसकी एग्जीक्यूशन की गई क्योंकि वो ट्रेडिशनल पाथ से हट के लोगों को कुछ सिखाना चाहता था। वो डायलेक्टिक्स का प्रोसेस करता था जिसमें वो क्वेश्चंस करता था, और वो जानना चाहता था कि लोग किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं, जिनको वो बाद में क्रिटिसाइज करता था, और इस तरह से द डिबेट गोज ऑन। अब वो कहते हैं जो जब इसका एग्जीक्यूशन किया गया, इसको मार दिया गया था सोक्रेटिस को, तो उसके बाद प्लेटो वाज थिंकिंग के जो सोक्रेटिस के बयान थे डेमोक्रेसी के हवाले से वो बिल्कुल सही थे। खैर, जो द लॉ द रिपब्लिक एंड द स्टेट्समैन है, जिसमें ये इसकी पॉलिटिकल बुक्स हैं, जिसमें वो अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी को डिस्कस करता है। अब हम स्टार्ट करते हैं द रिपब्लिक को। ठीक है, दैट इज बेसिकली बहुत ज्यादा कंसर्न है अबाउट कि किस तरह से आपको स्टेट को चलाना चाहिए, और एक आइडियल स्टेट किस तरह से बनती है, और जस्टिस का एक सिस्टम किस तरह से आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इन योर स्टेट। तो सेटिंग द सीन में अब ये कहाँ से डायलॉग वो शुरू करता है कि सेफलस एक बहुत ही वेल्दी और ओल्ड एज इंसान है, और ही हैज रिजॉर्टेड टू फिलोसफी एंड मैथमेटिक्स इन हिज लास्ट ईयर्स में। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओल्ड एज हो चुके हैं। अब सब उसके घर पे बैठे हुए हैं और वहां पे ये डिस्कशन स्टार्ट होती है। अब वो सोक्रेटिस ये क्वेश्चन करता है सेफलस से कि जस्टिस क्या है, तो वो कहता है कि स्पीकिंग द ट्रूथ एंड पिंग वंस दैट इज जस्टिस। पॉल मार्कस जो कि सेफलस का बेटा है, वो ये कहता है कि जस्टिस इज टू गिव एवरीवन हिज ड्यू। अब इसके ऊपर सोक्रेटिस अपने कुछ क्रिटिसाइज करता है कि अगर गिविंग एवरीवन हिज ड्यू है, तो इसका मतलब है कि आप जो आपके फ्रेंड्स हैं उससे आप अच्छा पेश आएंगे, लेकिन जो आपके एनिमीज हैं उससे आप बुरा पेश आएंगे। तो जस्टिस आपको ये नहीं कहती कि आप अनजस्ट हो जाएं। अब फिर उसके बाद ट्रेसिमकस जो कि प्लेटो अपनी सेल्फ को बयान कर रहा है इसके अंदर, वो ये कहता है कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर एंड माइट इज राइट, कि जस्टिस का नाम वो लोग लेते हैं जिसको उनसे फायदा हो रहा होता है, और वो हमेशा जो महकूम तबका होता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं जस्टिस के नेम के ऊपर। ठीक है, इसमें फिर ग्लूकॉन इज वन ऑफ द वो भी डिस्कशन का हिस्सा है, और वो ये बात करता है कि मैन इज सेल्फिश बट प्रूडेंट, कि इंसान सेल्फिश तो है लेकिन वो इतना प्रूडेंट है कि वो लॉज बनाता है, क्योंकि जब उसको ये एहसास होता है कि वो सेल्फिश है तो वो ये समझता है कि दूसरे लोग भी सेल्फिश हैं। अगर वो आज किसी का बुरा चाह रहा है तो कल कोई उसके साथ भी बुरा कर सकता है। अब वो कहता है कि इंसान लेकिन इतना एट द सेम टाइम प्रूडेंट भी है कि वो लॉस बनाता है, और वो तमाम फिर मिल के उस लॉ को ओबे करते हैं, और इस तरह से आपकी जो सोसाइटी है वो प्रॉस्पर करती है। ठीक है, और फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो जो प्लेटो है वो ये कहता है कि जो सोक्रेटिस हैं इसमें द रिपब्लिक में, वो ये कहते हैं क्योंकि ये जितने भी व्यूज हैं अभी तक हमने डिस्कस किए, चाहे वो स्पीकिंग द ट्रूथ हो, गिविंग एवरीवन हिज ड्यू हो, या वो इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर हो, या वो सेल्फिश है लेकिन प्रूडेंट मैन जो लॉस बना रहा है, वो कहते हैं कि ये सारे व्यूज जस्टिस के बारे में है लेकिन ये सारे सुपरफिशियल है। अगर आप जस्टिस को समझना चाहते हैं ना, तो जस्टिस को समझने के लिए आपको इंसान को समझना पड़ेगा। वो कहता है कि जस्टिस इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ह्यूमन सोल, वो तो इंसान का हिस्सा है। आपको इंसानी सोल को डायसेक्ट करना पड़ेगा अगर आप जस्टिस को समझना चाहते हैं। वो कहते हैं कि सबसे, अब प्लेटो कहता है कि जब हमें जस्टिस को इंट्रोड्यूस कराना है ना, तो हमें एक जस्ट स्टेट बनानी पड़ेगी। अब वो जस्ट स्टेट किस तरह से बनती है, जस्ट स्टेट के लिए वो कहता है कि हमारी जो कम्युनिटी होती है ना लोगों की,
सिटी स्टेट्स थी, वो स्मॉल सिटी स्टेट्स जो आजकल के भी। अब ये कहता है कि जो लोग होते हैं ना, वो तीन तरह से उनमें मोटिवेशन होती है, ठीक है, उनमें तीन फोर्सेस होती हैं जो कि कोई एक ओवर पावर कर जाती है किसी दूसरे को, ठीक है। लेकिन हर एक इंसान में उसने डिमार्केशन कर दी कि वो तीन कैपेसिटीज, मेंटल कैपेसिटीज होती हैं, उनमें से कोई एक मोटिवेट कर सकती है, कोई एक थोड़ी सी डिरेल हो सकती है किसी भी इंसान के अंदर। अब वो कहते हैं कि वो तीन कौन कौन सी है। एक पहली होती है आपके पास एपिटाइट, फिर आपके पास होता है स्पिरिट एंड करेज, और तीसरा आपके पास होता है रीजन। अब ये तीनों कैपेसिटीज हर एक इंसान में मौजूद होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत एपिटेटिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो करेजियस होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि रैशनल होते हैं। वो कहते हैं कि जो तो आपके पास एपिटेटिव क्लास है ना, वो तो आपकी आर्टिसन क्लास बन जाएगी। यानी कि क्योंकि आपको सोसाइटी में रहने के लिए आपको कंजम्पशन ऑफ गुड्स करना पड़ता है, जब आप गुड्स को कंजम्प करेंगे तो इसका मतलब है कि कंज्यूम करेंगे तो इसका मतलब है कि कुछ लोग वो होने चाहिए जो कि उन गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो सबसे लोएस्ट क्लास होगी किसी भी सोसाइटी में, वो आर्टिसन क्लास होगी जो कि आपके पास चीजें बना रहे होंगे जिससे सारी की सारी सोसाइटी को फायदा हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि वो कहता है कि वो अपनी एपिटाइट के ऊपर चल रहे होते हैं, तो वो सबसे निचले दर्जे की क्लास होगी। वो कहता है कि दूसरी क्लास जो हमारे पास होगी वो होगी स्पिरिट और करेजियस लोगों की क्लास। अब ऐसे लोग वो होंगे जो कि बहुत ज्यादा बहादुर होंगे, वो वैलर होंगे, उनमें वैलर होगा, और वो मिलिट्री गार्डियन क्लास होगी, ठीक है। यानी कि वो लोगों की हिफाजत करेंगे, वो बॉर्डर्स की हिफाजत करेंगे। आपको पता है कि जब आप एक स्टेट बनाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास एक सर्टन एरिया होता है और एक सर्टन आपके पास पॉपुलेशन होती है। अब क्योंकि आपको उस एरिया की हिफाजत भी करनी होती है, आपको उस एरिया को डिफेंड करना होता है अगेंस्ट फॉरेन इंट्रूडर्स के, तो आपको मिलिट्री की जरूरत पड़ती है। अब वो कहते हैं कि वो जो स्पिरिट और करेजियस लोग होंगे ना, वो मिलिट्री गार्डियन क्लास बना देंगे आप लोगों की। और तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है वो है रीजन, वो क्लास जो कि रीजन से चलती है, जो रैशनैलिटी से चलती है। वो कहता है कि ये आपके पास रूलिंग क्लास होगी जो कि ये समझेगी कि अगर कि मेरी वेलफेयर जो है ना, वो लोगों की वेलफेयर के साथ बाइंड है। अगर मैं अपने लिए अच्छा सोच रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं एक होल का हिस्सा हूँ, ठीक है, मैं उस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, तो मुझे एज अ होल कम्युनिटी के लिए अच्छा सोचना चाहिए। क्योंकि अगर कम्युनिटी में कुछ गलत होता है तो मैं कम्युनिटी से अलग तो नहीं हूँ, मेरे साथ भी गलत होगा, ठीक है। तो वो कहता है कि वो जो जो रैशनल इंसान होता है ना, वो हमारी रूलिंग क्लास होती है, वो हमारे फिलोसोफर किंग्स होते हैं, और वो डिवोटेड होते हैं टू द कम्युनिटी इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि हमारे पास क्यों जस्ट स्टेट बनाने की जरूरत पेश आती है। तो ये कहता है कि अब हमने तीन क्लासेस बना ली, हमने डिमार्केशन कर ली, हमने ये बता दिया कि तीन तरह के लोग होते हैं और तीन तरह के हम क्लास स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, जिसमें हमारे पास पहला आ गया आर्टिसन क्लास, दूसरा आ गया हमारे पास जो मिलिट्री गार्डियन क्लास, तीसरा आ गया हमारे पास रूलिंग क्लास। अब रीजन क्या है? वो कहता है कि टू डिमांड सेटिस्फेक्शन टू द रेसिप्रोकल नीड्स ऑफ द कम्युनिटी इंडिविजुअल्स। अब आपको लोगों की नीड्स को पूरा करना होता है। जब एक इंसान की आप उसकी कैपेसिटीज के मुताबिक उसको काम दे देते हैं ना, तो वो कहता है कि ये स्टेट अपना पर्पस पूरा कर देती है, ठीक है। एक आइडियल स्टेट बनाने का जो पर्पस है वो पूरा हो जाता है, क्योंकि आप उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटीज के मुताबिक उसकी जो नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ पर अप्लाई होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि तीन क्लासेस में डिविजन हो जाती है, और जो रूलिंग क्लास होती है वो वेलफेयर फॉर ऑल, ठीक है, इसलिए हमें जस्ट स्टेट बनाने की जरूरत पेश आती है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि अगर हम क्वेश्चन उठाते हैं कि व्हाट क्लास स्ट्रक्चर एंड स्पेशलाइजेशन हैज टू डू विद जस्टिस, के वो तो जस्टिस की बात कर रहा है, लेकिन ये क्लास स्ट्रक्चर जिसमें तीन हिस्सों में उसने तीन कैटेगरीज बना दी है, स्पेशलाइजेशन कर दी है कि फलां लोग फलां काम करेंगे, फलां लोग फलां काम करेंगे, तो ये कहते हैं कि जस्टिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्लास डिविजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, कि ये तो हमारे पास क्लास डिविजन्स की वजह से हमारे पास जस्टिस आती है, क्योंकि जब हम लोगों को उनकी कैपेसिटीज के मुताबिक काम दे देते हैं ना, तो वो उस काम के साथ जस्टफुल हो जाते हैं, ठीक है, वो उस काम के साथ जस्टिस करते हैं। जब वो उस काम के साथ जस्टिस करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी जो स्टेट होती है ना, उसका हम अगर एनालिसिस करें जस्ट स्टेट का, तो हम उसको सिटीजन के लिहाज से उसका एनालिसिस करते हैं किसी भी स्टेट का। अब अगर आपके वो जो सिटीजन्स हैं वो लॉयल हैं अपने काम के साथ, वो जस्टली अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी स्टेट बिल्कुल जस्ट है, बिल्कुल परफेक्ट स्टेट है। तो वो कहते हैं कि जस्टिस गिविंग एवरी मैन हिज ड्यू, इसका यही मतलब है कि आप उसकी कैपेसिटी के मुताबिक उसको काम दे रहे हैं।
अब वो कहता है कि अब इससे होता है, इससे फायदा ये होता है आपको कि डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल हार्मनी, कि एक इंटरनल हार्मनी और एक हार्मोनियस आपके पास वो स्टेट बन जाती है, और बोथ इन द इंडिविजुअल एंड इन द स्टेट। अब वो कहता है यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह से जो वर्च्यू ऑफ स्टेट है वो तीन चीजों के ऊपर बेस कर रही है। उसमें आपके पास विजडम होगी, करेज होगा और सेल्फ कंट्रोल होगा। अब विजडम की वही बात आ गई, जो रूलिंग क्लास है वो अपनी विजडम और रीजन को यूज करेगी, ठीक है। यानी कि उसको सही और गलत की पहचान होगी, वो इतना नॉलेजेबल होगा कि वो सही और गलत में पहचान कर सकता है। क्योंकि वो ये कहता है कि प्लेटो ये कहता है कि जो आपकी स्टेट आप चला रहे हैं ना, उसके लिए उतना ही नॉलेजेबल इंसान की जरूरत है जितना कि आपके एक फिजिशियन की होती है। क्योंकि पॉलिटिक्स भी एक आर्ट है, उसमें आपको एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, ठीक है। तो सिर्फ जो है ना आपके रूलिंग क्लास है, सिर्फ वही अच्छा चला सकती है स्टेट को, क्योंकि उनके पास विजडम होती है। करेज आपको पता है कि जो आपकी गार्डिंग क्लास है उसके पास करेज होगी। और सेल्फ कंट्रोल कि जब इंसान अपना जो उसको काम दिया जाता है ना, वो उसको अब्यूज नहीं करता, ठीक है, उसको गलत इस्तेमाल नहीं करता, वो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर रहा होता है। तो जो करेज और सेल्फ कंट्रोल है ना, ये दोनों क्वालिटीज बन जाती हैं गार्डियंस की और आर्टिसन क्लास की, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम जस्टिस फॉर इंडिविजुअल बात करें तो दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द टेम्परेंस, ठीक है। वो कहते हैं कि कंपोजिशन ऑफ अ गुड स्टेट रिफ्लेक्ट्स द हार्मोनियस सोल ऑफ द इंडिविजुअल, और जो हाईएस्ट इंडिविजुअल वो इसमें कौन होगा, वो इसमें होगा फिलोसोफर किंग। अच्छा, अब देखते हैं कि इसमें कुछ लिमिटेशंस आती हैं। अगर हम प्रेजेंट साइकोलॉजी के मुताबिक देखें तो वो कहता है कि ये मेंटल कैपेसिटीज की कभी भी इतनी ज्यादा डिमार्केशन नहीं हो जाती कि आप ये कह देंगे फलां के पास ये एबिलिटी है, फलां के पास ये है, फलां के पास ये है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मॉडर्न साइकोलॉजी में हम इतनी क्लियर डिमार्केशन नहीं कर सकते जैसे कि प्लेटो ने की है। फ्रीडम आपकी खत्म कर देता है प्लेटो, क्योंकि जब प्लेटो खुद एजुकेट करके लोगों को, और उसमें से आपको वो अलाइनेट कर रहा है, वो सेपरेट कर रहा है, तो वो लोगों की अपनी फ्रीडम खत्म हो जाती है। हालांकि वो ये कहता है कि फ्रीडम टू ड्रॉ देयर ओन कंक्लूजन वेदर इवन दो के कंक्लूजन मे बी रॉन्ग, लेकिन लोग इस चीज को पसंद करते हैं कि वो अपने आप को अपने जो फ्यूचर के बारे में या अपने उन्होंने क्या काम करना है वो खुद डिसाइड करें। इसके अलावा जो डेमोक्रेसी जिस तरह के प्लेटो कहते हैं वो कंसीडर करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कहते डेमोक्रेसी में, जो हमारी प्रेजेंट डेमोक्रेसी है वो ये नहीं है कि आप पब्लिक पॉलिसीज बनाने लग जाएंगे सारे के सारे लोग मिलके, लेकिन हर एक इंसान कोई ना कोई कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होता है डेमोक्रेसी में, ठीक है। आपके यहाँ लोग वोट कर रहे होते हैं, अब वोट जब वो करते हैं तो वो बेसिक एक नैरेटिव को करते हैं, एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो को वोट कर रहे होते हैं, सिर्फ वो उनकी कंट्रीब्यूशन है, एक लिटिल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी रूलिंग क्लास होती है वो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग करती है, वो आपके रूल्स और रेगुलेशन सेट करती है। इसलिए जो प्लेटो का डेमोक्रेसी के हवाले से बयान है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।